नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने संगीत से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे अगले दिन के रियाज के बारे में और हमारा अगला दिन कौन सा है, क्योंकि हमारे पीछे डे बाय डे लेसन चल रहे हैं। तो हमारे 40 डेज हो चुके हैं तबले के, तो आज हमारा 41 डे है। तो आज हमने कौन सा रियाज करना है, और पीछे हमारे तीन ताल का तिरकिट का कायदा और उसके आगे पलटे चल रहे थे, तीन पलटे हो चुके हैं। आज हम चौथा पलटा बजाना सीखेंगे, और चौथा पलटा कैसे बजाएं और इसके बोल क्या हैं। तो अगर आप बोल लिखना चाहते हैं, वैसे तो बोल आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि बोल आप ज़रूर लिख लें, क्योंकि जब भी आप मान लीजिए कहीं आप ये रियाज भूल जाएं, तो जब भी आप अपनी कॉपी को खोलेंगे जिसमें आपने नोट किया होगा, फिर से आपको ये रियाज फिर से याद हो जाएगा। तो चलिए आज हम चौथा पलटा बजाएंगे, तो उसके बोल क्या हैं। तो पहले मैं आपको बोल बता देता हूँ, इसके बोल क्या हैं, और उसके बाद फिर मैं तबले पर आपको बजाकर बताऊंगा कि इसको आपने कैसे बजाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोल हैं चौथे पलटे के, धाती धागे ना धाती धागे ना धागे ना धाते रिकेट, धाती धागे ना धाते रिकेट, धाती धागे ते ना के ना, ताती ताके ना ताती ताके ना, धागे ना धाते रिकेट, धाती धागे ना धाते रिकेट, धाती धागे धीना गे ना धा। तो ये इसके बोल हैं। तो देखिए, जब आपने इसको शुरू करना है, थोड़ा इसमें आपको एक जगह थोड़ी मुश्किल हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर। तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में से देखकर इसके बोल लिख लें, और पीछे जितनी भी वीडियोस में मैंने अपने फर्स्ट डे से जो डे बाय डे हमारा लेसन चल रहा है, मैं सभी वीडियो में आपको बोल डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, और आप बड़ी आसानी से कुछ ही महीनों में तबला सीख जाएंगे। पर जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कॉपी पर ज़रूर लिख लें, तो ये ज़रूर करें, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपको पलटा भूल जाए या कोई कायदा भूल जाए, तो फिर आपको कॉपी देकर वो फिर बड़ी आसानी से याद आ जाएगा, और आपका जो रियाज है वो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको बजाना कैसे है। तो देखिए, इसमें पहले आपने बजाना है धाती धागे ना धा, धाती धागे ना धा। देखिए, धा ती धा गे ना धा, देखिए धा ती धा गे ना धा। तो आप समझ गए होंगे धा कैसे है और ती कैसे बजाना है। फिर देख लीजिए, मैं बिल्कुल स्लो बजाऊंगा, धा ती धा गे ना धा। तो यहां तक हो गया। इसके बाद आपने बजाना है ई धा गे ना, ई धा गे ना, और इसके बाद है धा गे ना धा तेर केट। तो इसके बाद है धा गे ना धा तेर केट। तो ये इसके बाद बोल है। तो पूरा ये बन गया, धाती धागे ना धाती धागे ना धाते रिकेट। तो अब देखिए, इसको आपने क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं किसी बोल को बजाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने क्या करना है, छोटा सा उन बोलों का टुकड़ा लेना है, और उसको 5 या 10 मिनट फिर आपने स्लो स्पीड में बजाना है, कम से कम 10 या 15 मिनट उन बोलों को बजाना है जिसमें आपको मुश्किल है। कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको प्रॉब्लम है धाती धागे ना धा, इसमें प्रॉब्लम है, तो आपने इसको बजाना है धाती धागे ना धा, धाती धागे ना धा, धाती धागे ना धा। तो ऐसे आपने इसका रियाज करना है, और मान लीजिए धाती धागे ना आगे जो है, मान लीजिए इसमें आपको प्रॉब्लम है धाती धागे ना, धाती धागे ना, तो फिर ये इसका आपने रियाज करना है। अब देखिए, इसके बाद क्या था, धाती धागे ना धा, इसके बाद था ती धागे ना, ती धागे ना, ती धा, देखिए सॉरी, ती धागे ना, ती धागे ना, ती धागे ना, ती धागे ना। तो देखिए, जब मैंने ये जो पलटा सीखा था, तो आज भी मुझे याद है, तो मुझे प्रॉब्लम हुई थी ती धागे ना में, ती धागे ना, ती धागे ना, ती धागे ना, तो
मैंने फिर ऐसे इसका रियाज किया था और जो मेरी समस्या थी वो 2-3 दिन में बिल्कुल सही हो गई थी, क्योंकि मेरा जो तीधा गेना था वो नहीं निकल रहा था। तीधा गेना, तीधा गेना, तो बजाना कैसे? तीधा गेना, तो ऐसे आपने इसको बजाना है। तो आगे फिर था धागे ना धा तिरकेटा, धागे ना धा तिरकेटा, ये तो फिर कायदे की तरह है, उसमें भी ऐसे ही चलता है, दाती धागे ना धा तिरकेट, धागे ना धा तिरकेट, तो बीच में आ गया। तो अब चलिए अब इसको पूरा बजाते हैं। तो देखिए मैं स्लो स्पीड में बिल्कुल बजाऊंगा, दाती धागे ना धाती धागे ना धागे ना धा तिरकेट, दाती धागे ना धा तिरकेट, दाती धागे तीना तीना। तो ये हो गया हमारा यहां तक। अब ये हाफ हो चुका है पलटा, अब पूरा पलटा, अब पूरा इसके आगे बोल कौन से है, तो आगे है, अब देखिए ता मैं यहां पर इकट्ठा बजा रहा हूं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ता आप एक उंगली से भी बजा सकते हैं। देखिए कैसे, ता ती ता के ना ता ती ता के ना, ता ती ता के ना ता ती ता के ना, तो यहां तक हो गया आपका। इसके बाद है धागे ना धा तिरकेट, फिर इसके बाद है धाती धागे ना धा तिरकेट, धाती धागे धीना धीना। तो फिर देखिए अब मैं लास्ट वाला जो हाफ जहां पर हो चुका है हमारा ये पलटा, उससे आगे बजा रहा हूं। देखिए कैसे मैं पूरा बजाऊंगा, ताती ताके ना ताती ताके ना, धागे ना धा तिरकेट, धाती धागे ना धा तिरकेट, धाती धागे धीना धीना। तो ये हमारा पूरा पलटा हो चुका है। तो देखिए यहां पर भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने वैसे ही करना है, थोड़े से बोल लेने और वैसे ही इनका अच्छे ढंग से रियाज करना है। कैसे, ताती ताके नाता, देखिए ताती ताके नाता तीता के ना, ताती ताके नाता तीता के ना, तो इसका आप रियाज कीजिए। मान लीजिए काफी बोलों में यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो आपने करना है अलग अलग कर लेना इनको, ताती ताके नाता ताती ताके नाता ताती, तो ऐसे आपने अलग अलग बोल कर लेने हैं, यानी कि थोड़े थोड़े बोल अलग अलग कर लेने हैं और उनका धीरे धीरे स्लो स्पीड में रियाज करना और फिर हाई कंफर्टेबल स्पीड में उनको लेकर जाना है जिसमें आपको समस्या हो रही है। तो फिर अगर आप ऐसे ही रियाज करेंगे तो फिर सारे बोल बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई समस्या आपके लिए आ रही हो किसी बोल को बजाने में, तो आप ज़रूर बताएं। तो अब देखिए अब मैं पूरा पलटा बिल्कुल स्लो स्पीड में बजा रहा हूँ। आपने इसको बजाना है बिल्कुल स्लो स्पीड में, आपने रियाज शुरू करना है, हाई स्पीड में एकदम नहीं जाना है, नहीं तो फिर आपको आगे चलकर बहुत सारी समस्याओं का फिर सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए बिल्कुल स्लो स्पीड में बजाइए और धीरे 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 4-5 दिन तक स्लो स्पीड में बजाइए और कुछ दिनों के बाद फिर हाई कंफर्टेबल स्पीड की तरफ इसको लेकर जाइए, जहां आपको लगे कि स्पीड भी बहुत अच्छी है और सभी बोल आप बड़ी आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो फिर आपने ऐसे अच्छे ढंग से रियाज करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में बजाकर बताऊंगा और बाद में एक जो मेरे दोस्त ने एक समस्या के बारे में पूछा था उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे आपने इसको बजाना है। तो अब देखिए मेरे दोस्त ने जो पूछा था कि सर मुझे समस्या है कि जब मैं तबला बजाता हूँ तो मेरियाँ जो मेरी उंगलियाँ हैं जो बदीन की है वो अच्छे ढंग से नहीं चलती और स्पीड में नहीं चलती, तो जो मेरी उंगलियाँ हैं वो कैसे स्पीड में चलेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें कि बदीन के ऊपर अगर उंगलियाँ अच्छे ढंग से ना चलें तो आपने किन किन बोलों का रियाज करना है जिससे आपकी जो उंगलियां हैं मदीन पर वो स्पीड में चलें। तो वो वीडियो आप देखें, आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल सही हो जाएगी।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे जरूर दबा लें ताकि आने वाली जितनी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप तबले को बड़ी आसानी से कुछ महीनों में सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।